खबर यूपी के बरेली से। जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा कुतुब निवासी इदरिस अली सन्ने न्याजी ने अपने बेटे की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक सड़क हादसे में घायल हो गया है। जब पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भेजा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। आपको बता दें, मृतक के पिता इदरिस अली सन्ने न्याजी ने बताया कि नजर हुसैन न्याजी शाम को 7:30 बजे घर से बाइक द्वारा मोमोज लेने किले की तरफ निकला था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने फोन करके उसके घर बताया कि गोविंदापुर के पास नजर हुसैन न्याजी का एक्सीडेंट हो गया है। वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। जब परिवार वाले जिला अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नजर अली की मौत हो चुकी है। पिता ने बेटे की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि नजर हुसैन की शादी को 9 माह हुए हैं। मृतक के पिता का यह कहना है कि उनके बेटे की हत्या बहू के भाई और चाचा ने की है। पुलिस अब पूरी तरह से जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इदरिस अली सन्ने न्याजी। आपके कौन से? ये जो खत्म हुआ है, मेरा बेटा था नजर हुसैन न्याजी। कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ? ये रोजा इफ्तार के बाद नमाज वमाज पढ़ के और मोमोज लेने गया था कहके किले के लिए, और आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब मैंने उसे फ़ोन करा तो उसका फ़ोन सीबीगंज थाने के जो प्रभारी थे वहाँ कोई उस एरिया के, उन्होंने उठाया और उन्होंने बताया कि वो इसके चोट लगी हुई बहुत, इसकी हालत ख़राब है। मैंने ठीक है साहब पता बताइए कहाँ पे मैं आता हूँ। बोले तुम बताओ, हम एम्बुलेंस से भेज रहे हैं। एम्बुलेंस से जब आया यहाँ करीब 9 बजे गए थे 9:15, तो वो ख़त्म था, मर चुका था। आपको क्या लग रहा है? मुझको लग क्या रहा, उसकी बीवी से मुकदमा चल गया था, उसकी बीवी और उसके चचा बीवी के भैया वगैरह मारपीट भी हुई थी किला थाने में भी रहे थे वो एक दिन। अब आपको क्या लग रहा है, हत्या का आशंका है क्या? अब वो सीबीगंज इंचार्ज साहब में और जो इसे देख रहा है उन्होंने मुझे एक भरोसा दिया है, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसा जो कुछ होगा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं हम। आपको क्या लग रहा है? लग क्या है, उसको मार दिया गया और क्या लग रहा है? प्लानिंग के हिसाब से उसको बुला के या कैसी उसको मार दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।